क्यूट लग रहे हो मैम। हैं? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अंदर शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं ना, तो बाहर पहन के फिर घर से बाहर निकलना पड़ता है। कश्मीर की लग रहे हैं। कहाँ से लग रही हो? कश्मीर बोला, अफगानिस्तान नहीं बोला। हिजाब दिख रहा है पूरा? हिजाब दिख रहा है। हाँ तो ये हिजाब ही है, मेरी फ्रेंड ने दिया है। वो अंदर जिम का कपड़ा पहना है ना मैंने। राखी ने हिजाब पहले ही बोल दिया। मेरी फोटो ले रहे हो ना, रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, ठीक है, हार मत पहनाना। लिखा है कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कहा गया मोमिनात से, मोमिन औरतों से, आप नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो और अपना पल्लो, सिर का पल्लो छाती पे ढको, और उस जीनत की नुमाइश मत करो सिर्फ जो आमतौर पे दिखी जाती है, जो आप हिजाब को ज़रा रिलैक्स कर सकते, सिर्फ अपने शोहर के साथ, वालिद के साथ, बेटे के साथ, और एक लिस्ट है, बड़ी एक लिस्ट है, जो करीब रिश्तेदार जिससे आप शादी नहीं कर सकते, जो आपके महरम है, इनके अलावा सब लोग के सामने आपको हिजाब करना चाहिए। आम तौर पे हिजाब के उसूल 6 है जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं। पहला उसूल एक्सटेंट, कौन सा हिस्सा जिस्म का ढका होना चाहिए, आदमी के लिए नाक से लेके घुटने तक कम से कम, और औरत के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए। दूसरी शर्त, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए जिससे आपको फिगर नजर आ सके। तीसरी शर्त, कपड़े खफीफ, पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू आप देख सके। चौथी, कपड़े इतने भड़केली नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा जिन्स मुतासिर हो। पांचवी शर्त, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मर्द औरत के नहीं पहनना चाहिए। और छठी शर्त, कपड़े दूसरे मजाहिब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 शर्त है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि रसूल कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए वो जिलबाब पहने ताकि लोग उसे पहचान सके और लोग उन्हें ना छेड़े। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हिजाब फरमाया है ख़वातीन के लिए, जिलबाब, जिलबाब मतलब एक ओवरकोट, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें ना छेड़े। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर दो बहनें, तो यक्सा है, ट्विन्स है, जुड़वा बहनें यक्सा दिखती है, दोनों खूबसूरत है, यक्सा खूबसूरत है, जुड़वा है, और दोनों अगर बम्बई की सड़क पे चल रहे, मिसाल के तौर पे पेडर रोड के ऊपर, और एक बहन पहनती है इस्लामिक हिजाब, सारा शरीर ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनती है वेस्टर्न क्लोथ्स, मिनीस, शॉर्ट स्कर्ट और शॉर्ट मिनी, और दोनों बहनें चल रहे पेडर रोड के ऊपर, और कोने पे एक लफंगा ठहर रहा है कोई लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो वेस्टर्न क्लोथ पहन रही है? वेस्टर्न क्लोथ, मगरिबी लिबास। आसान सवाल, आसान जवाब। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने कहा खवातीन से कि अपने आप को ढाको ताकि लोग पहचान सके और लोग आपको न छेड़े। उसके बाद इस्लामिक शरीयत में अगर कोई आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, इस्लाम में उसकी सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत? आज की तारीख में 21वीं सदी में इस्लाम एक जालिम मजहब है, बेदर्द मजहब है। लेकिन मैं जब ये सवाल पूछता हूँ गैर मुसलमानों से, और हजारों गैर मुसलमानों से पूछ चुका हूँ, कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा के साथ बलात्कार करता है, जिना बिलजब करता है, और अगर उस बलात्कार करने वाले आदमी को आपके सामने लिया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप उसे क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा हम उसे देंगे सजाए मौत।
कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो ये डोगले बना क्यों? आपके वालदा को कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, आप कहते सजाए मौत। दूसरे किसी वालदा का रेप होता है, बलात्कार होता है, आप कहते सजाए मौत, एकदम खतरनाक सजा है। क्यों डोगले बना क्यों? आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम समझते हैं कि यूएसए सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप जानते हैं कि यूएसए में रेप बड़ी तादाद में होता है। अकॉर्डिंग टू एफबीआई स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990, एफबीआई स्टैटिस्टिक्स सन 1990 में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कि हर रोज 1756 रेप हो चुके हैं। अगर 1996 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, नेचुरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मर्द बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910। सब रिपोर्ट नहीं होते, 1990 में रिपोर्टेड 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो है सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीन अल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते शनिचर में मैंने कहा था एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना चाहिए। ये था 20वां जवाब। लेकिन कई बार लिस्ट ऊपर नीचे होती है तो कभी कभी इंपॉर्टेंट मिसेज आते। इंपॉर्टेंट मिसेज मतलब जो सवाल लिस्ट में थे अभी लिस्ट के बाहर चले गए लेकिन फिर भी अहम है, तो और एक जवाब मैं आपको दूंगा। छोटा सा, छोटी सी गलतफहमी, छोटा सा जवाब। जो पहले नंबर 20 पे था अभी आउट ऑफ द लिस्ट हो गया, अभी 21वें नंबर पे आ चुका है। वो है कि अक्सर गैर मुसलमान कहते हैं कि आप मुसलमान हमें काफिर बोल के गाली क्यों देते? इसका जवाब है कि काफिर का क्या मतलब है। काफिर आता है अरबी लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी छुपाना, जिसका मानी झुटलाना। इस्लाम के पस मंजर में काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम की हकानियत को झुटलाता है, इस्लाम की हकानियत को नहीं मानता है। आम जबान में अंग्रेजी में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुसलमान,
तो अरबी में काफिर का मतलब गैर मुसलमान, आम लफ्ज है। अगर कोई हिंदू मुझे कहता है कि जाकिर गैर हिंदू है तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? तो काफिर का मतलब है गैर मुसलमान, तो मैं गैर मुसलमान को गैर मुसलमान ही कहूंगा ना, और क्या कह सकता हूं? अगर कोई गैर मुसलमान को बुरा लगता है काफिर कहने से, मैं कहूंगा शहादत दो मुसलमान बन जाओ, इंशाल्लाह मैं तुमको काफिर नहीं कहूंगा। और इस तकरीर को खत्म करना चाहूंगा मैं कुरान मजीद के उस आयत से, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 से, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल का नज़ू का, कहो कि हक आ चुका है और हक हमेशा सही रहेगा और बातिल हमेशा नष्ट होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।